हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट लर्न बायोटेक। आज मैं बीएससी बायोटेक थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रही हूँ और ये क्वेश्चन पेपर है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का। कोड है 305 और मैक्सिमम मार्क्स गिवन है 75 और मैक्सिमम टाइम गिवन है 3 आवर्स। 3 आवर्स के अंदर हमें अपना क्वेश्चन पेपर कम्प्लीट करना होता है। सो अगर हम इसके पैटर्न की बात करें कि क्वेश्चन पेपर जो है वो किस पैटर्न बेस्ड आया था, तो इसका जो पैटर्न है वो सेक्शन के बेस आया था। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हमारा सेक्शन नहीं होते हैं, 10 क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं और उसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एक मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी की, उसके अंदर भी इसी तरीके का पैटर्न आया था जहाँ पे हमें 3 सेक्शन गिवन थे। और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है जिसका क्वेश्चन पेपर ऐसा आया है वो है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। बाकी जो सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए हैं उनमें यही पैटर्न गिवन है कि 10 क्वेश्चन गिवन है और 5 हमें उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए हम एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का जो पैटर्न है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए आप देख सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसमें कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और हमें किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन फिर भी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दी गई थी और बाद में हमें थोड़ा लेट बताया गया था लेकिन कि हमें कितने क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे वेरी शॉर्ट आंसर्स में से हमें 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। सेक्शन बी के अंदर हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और सेक्शन सी के अंदर हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार आए थे। ये था क्वेश्चन पेपर पूरा बीएससी बायोटेक थर्ड ईयर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का। अगर आपको मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जा सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।